Hey, yo, what's up everybody, Asad Ansari here, और आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। एक्चुअली आप लोगों की बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी, हेयर फॉल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, आपको हेयर फॉल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज हम हेयर फॉल से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जितनी भी आपकी सारी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने वाले हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम सब दूर करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को मेरे साथ पूरा एंड तक देखते रहिए। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गो। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हेयर फॉल के रीजन क्या है, रूट कॉज ऑफ हेयर फॉल क्या है। सो नंबर वन है स्ट्रेस, नंबर टू रीजन है इम्प्रॉपर और इनकम्प्लीट डाइट, नंबर थ्री रीजन है हार्मोनल इम्बेलेंस, नंबर फोर रीजन है स्कैल्प प्रॉब्लम्स लाइक डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड नंबर फाइव रीजन है इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, और नंबर सिक्स है आपका पॉल्यूशन लाइक स्मोक और डस्ट पॉल्यूशन से आपकी हेयर किस तरह इफेक्टेड होते हैं। गाइस, अब हम रेमेडी की बात करते हैं, कैसे हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हेयर फॉल को कम कर सकते हैं, कैसे हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम स्कैल्प से, हम अपनी स्कैल्प की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। अगर आपको डैंड्रफ है, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, अगर आपको इचिंग है आपके सर में, आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम उसको ठीक करेंगे। आप स्कैल्प की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैं आपको स्कैल्प मास्क बता देता हूँ, जो आपको अपनी स्कैल्प पर लगाना है। आप बेकिंग सोडा और लेमन जूस को मिक्स करेंगे और उसको अपनी स्कैल्प पर लगाएंगे। बेकिंग सोडा और लेमन जूस आपकी स्कैल्प का जितना भी इन्फेक्शन होगा, जितना भी डैंड्रफ होगा, वो सब रिमूव करता है और पीएच वैल्यू को, आपकी जो स्कैल्प की पीएच वैल्यू है, उसको नॉर्मल करता है। एंड बेकिंग सोडा लगाने के बाद आप अपनी स्कैल्प को मसाज करेंगे। आपको बेकिंग सोडा अपनी सिर्फ स्कैल्प पर लगाना है, आपको बाल पर नहीं लगाना है, सिर्फ आप उसको स्कैल्प पर लगाएंगे। आप उसको कॉटन की हेल्प से या लेमन को स्क्वीज करने के बाद जो आपके पास लेमन बचेगा, आप उसी को उसी से लगा सकते हैं। अपने स्कैल्प पर ठीक से करके लगाएंगे आप, तो आप उसको लगा सकते हैं, आपकी स्कैल्प उससे बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और उसको लगाने के बाद 15 मिनट तक आप ऐसे ही उसको छोड़ देंगे, और 15 मिनट बाद आप नॉर्मल पानी से अपना हेड वॉश कर लेंगे। हेड वॉश करने के लिए आप उसको नॉर्मल पानी से आप अपना हेड वॉश कर लीजिए। हेड वॉश आपको शैम्पू कंडीशनर कुछ भी यूज नहीं करना है। हेड वॉश करने के बाद आप ऑयल लगाएंगे। ऑयल में बता देता हूँ आपको किस तरह लगाना है। ऑयल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, लाइक कैस्टर ऑयल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ऑलिव ऑयल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, कोकोनट ऑयल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, सब ऑयल्स के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, आलमंड ऑयल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। सो सब हम ऑयल को मिक्स करेंगे, और उसको मिक्स करने के बाद अपने स्कैल्प पर मसाज करेंगे। मसाज करने से हमारे ब्लड का, स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे हमारे स्कैल्प में जो भी हमारी प्रॉब्लम स्कैल्प में हो रही होगी वो दूर हो जाए। और स्कैल्प पर ऑयल लगाने के बाद कम से कम आपको पूरी रात के लिए ऑयल को ऐसे ही छोड़ देना है, और सुबह को उठने के बाद आपको शैम्पू एंड कंडीशनर करना है। आपको शैम्पू सिर्फ इतनी क्वांटिटी में लेना है जितना आपके स्कैल्प पर से और आपके हेयर पर से ऑयल रिमूव हो जाए। आपको ज्यादा नहीं करना है शैम्पू, जिससे आपकी स्कैल्प ड्राई मत हो जाए। एंड ये सब प्रोसेस आपको वीक में एक बार ही रिपीट करना है। एंड गाइस, मैंने अपने चैनल पर हेयर मास्क से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखी है। आपको हेयर मास्क में से एक हेयर मास्क वीक में एक बार यूज करना है, उसके अल्टरनेटिव आपको दूसरा हेयर मास्क यूज करना है। ऐसे आपको अल्टरनेटिव कभी एक मास्क कभी दूसरा हेयर मास्क, इस तरह करके अल्टरनेटिव आपको हेयर मास्क यूज करना है। वो डिफरेंट हेयर मास्क है आपके डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम के लिए, कोई ड्राई हेयर हेयर के लिए, कोई डैमेज हेयर के लिए। जितनी भी आपके हेयर डैमेज होते हैं, जब आप कॉम करते हैं, अगर आपके हेयर डैमेज होते हैं तो कॉम्ब उलझते हैं और आपके रूट्स को वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। गाइस, ये सब हो गई है आपकी स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। अब हम बात करते हैं आपकी डाइट के बारे में। अगर आपकी डाइट इम्प्रॉपर है, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको डाइट में क्या ऐड करना है। आपको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ऐड करना है, विटामिंस ऐड करने हैं, एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स ऐड करने हैं। इनको ऐड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन सा फूड कंज्यूम करना है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करने के लिए आप एग का यूज कर सकते हैं, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप एग नहीं खाते हैं, तो आप ओट्स का यूज कर सकते हैं। आप अपने डाइट में ब्रेकफास्ट में नट्स ऐड कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट से पहले आप इंडियन गूसबेरी आंवला ऐड कर सकते हैं। आंवला आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और आपकी हेयर फॉल को बहुत कंट्रोल करता है। और मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन से फूड नहीं कंज्यूम करने हैं। आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ज्यादा पीनी है, आपको शुगर ज्यादा यूज नहीं करनी है, और आपको फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रहना है। गाइस, ये हो गई आपकी डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं आपकी इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई के बारे में। अगर आपकी ब्लड सप्लाई इम्प्रॉपर है, आपके माइंड में, आपके हेड में ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है,
तो जितना भी आप इंटेक करेंगे प्रोटीन विटामिंस मिनरल्स जो भी आप अपना कंज्यूम करेंगे जो भी आप अपना खाएंगे वो आपके ब्लड के थ्रू आपके माइंड में नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि जो भी हम कुछ खाते हैं वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होगी तो आपका जो भी आप कुछ खाएंगे वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ब्लड सप्लाई ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप लेजी हैं तो चांसेस ज्यादा हैं आपको हेयर फॉल होने के। तो आपको ब्लड सप्लाई ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप जिम जरूर जाएं, आप वर्कआउट जरूर करें। जब आप वर्कआउट करते हैं आपका ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपके हेड में ब्लड फ्लो ठीक होता है जिसकी वजह से सारा जितना भी प्रोटीन मिनरल्स वगैरह जो भी हमारे बालों को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, हमारे बाल एक्चुअली बने होते हैं केराटिन नाम के प्रोटीन से। वो प्रोटीन हमारे ब्लड को सप्लाई ब्लड हमारे बालों को सप्लाई करता है जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ होती है। तो आपको उसके लिए एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास जिम जाने के लिए टाइम नहीं है तो आप घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप घर पर एक्सरसाइज करने के लिए आप पुशअप्स पुलअप्स एंड जंपिंग रोप ये सब कुछ कर सकते हैं जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। जितनी भी डाइट आपने कंज्यूम करी है ब्लड फ्लो के थ्रू आपके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सो गाइस अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन की वजह से हमारे हेयर फॉल किस तरह होता है। एक्चुअली जब पॉल्यूशन होता है एक्चुअली क्या होता है, पॉल्यूशन जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा से हमारे स्कैल्प के अंदर चले जाते हैं और स्कैल्प को हमारे जितने भी उसमें एयर पॉल्यूशन होता है वो हमारे स्कैल्प को खराब करता है, हमारे हेयर की क्वालिटी को खराब करता है जिसकी वजह से हमारे हेयर भी डैमेज हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल भी होने लगता है। तो अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है सो आप हेयर फॉल को ठीक करने के लिए कैप पहन सकते हैं। जितना भी आपका स्मोक डस्ट वगैरह आपके स्कैल्प को और आपके हेयर की क्वालिटी को खराब करता है, आपके स्कैल्प का प्रॉब्लम बढ़ाता है। जितना भी गर्मी के अंदर सन रेज बहुत हार्मफुल होती है, आपके बालों को बहुत इफेक्ट करती है, आपके स्कैल्प को बहुत इफेक्ट करती है जिसकी वजह से आप हेयर फॉल होता है। तो आप अपने स्कैल्प का यूज कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर जाने हैं, उससे आपकी हेयर फॉल कम हो जाएगा। सो गाइस आप इन सब चीजों को ट्राई कीजिए, आपके इंशाल्लाह 4 वीक्स के अंदर अंदर आपकी जितनी भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, आपका हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप इन सबको ठीक से फॉलो कीजिए, आप इनमें से कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। आप इन सब स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपकी हेयर की प्रॉब्लम सब की सब सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करें। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, आपको किसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कुछ और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कराने वाला हूं। टिल देन लव रेस्पेक्ट पीस। Cause I gotta say